नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन आज 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। केदारनाथ धाम में अभी भी 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जाना है। बीते चार दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो पैदल रास्तों से 660 यात्रियों को अब तक निकाला गया है। रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 लोगों को निकाला गया है। चार दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर निकाला गया है। रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 लोगों को निकाला गया, यह हम आपको बता रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे सत्येंद्र बर्थवाल, हमारे संवाददाता केदार घाटी से लगातार जुड़ रहे हैं, जो वहां पर जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में किसी के लिए भी रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं होता। सत्येंद्र, आपके जज्बे को सलाम है कि आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बताइए, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन था और चौथे दिन में अगर हम बात करें तो करीब 1300 के से ज्यादा लोगों को निकाला गया। यानी कि अब तक भी अभी भी यह चौथा दिन था और करीब करीब 250 लोग अभी भी केदारनाथ धाम में बताए जा रहे हैं, जिनके लिए कल रेस्क्यू शुरू होगा। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज रेस्क्यू का काम कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, लेकिन आज दिन के बाद जैसे ही मौसम ने करवट ली तो जो हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ धाम से रेस्क्यू कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें होने लगी और उसके बाद कुछ देर बाद रेस्क्यू अभियान रोका गया। और अभी भी मैं बात करूं तो मैं अभी सोनप्रयाग में खड़ा हूं और सोनप्रयाग में तेज बारिश अभी भी यहां पे चल रही है और उम्मीद अब यह जताई जा रही है कि कल सवेरे ही ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो जाएगा और अब प्रशासन लगातार यहां पे जो रास्ते हैं उनको खोलने की तैयारी कर रहा है। सोनप्रयाग में आज आर्मी की टीम आई थी, उन्होंने वैली ब्रिज के लिए वहां पे तैयारी की और उम्मीद यह जताई जा रही है कि एक दो दिन में यहां पे वैली ब्रिज बन जाएगा। और आज हम जैसे कि हम पूरी अपनी टीम के साथ आज गौरीकुंड गए थे तो गौरीकुंड में भी हमने देखा कई नुकसान हुआ है, कई जगह रास्ते टूटे हैं तो उन रास्तों को बनाने के लिए अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ तोशी त्रिजुगी नारायण पैदल मार्ग से भी SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। दो श्रद्धालु त्रिजुगी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक गए हैं और उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सूचना के बाद SDRF की टीम मौके के लिए रवाना हुई और मौके पर जाकर दोनों लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू काम में जुटे हुए हैं। सेना के इंजीनियरों ने दो पुलों को भी तैयार किया है जिससे लोगों को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला जा सके। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सेना के इंजीनियर वहां पर पुल को तैयार करने में लगातार जुटे हुए हैं। केदार घाटी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना की मदद भी ली जा रही है और सर्च ऑपरेशन में सेना के दो स्निफर डॉग को शामिल किया गया है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए लिंचोली लाया गया और ये डॉग यूनिट लोगों को तलाश करने में काफी अहम साबित हो रही है। July 31 की रात केदार घाटी में आई आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान गौरीकुंड में हुआ था। वहां तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। पैदल रास्ते पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही तप्तकुंड भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। गौरीकुंड के हालात का जायजा लिया News 18 संवाददाता सत्येंद्र पर्थवाल ने।
बुधवार की रात को आई आपदा का दंश सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो अभी गौरीकुंड में मिल रहा है। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये यहाँ पे पत्थर और बोल्डरों में समाया हुआ है और ये यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे थी गरम कुंड। यहाँ पे 2013 की आपदा में भी दबा था और उसके बाद नया यहाँ पे निर्माण हुआ था, गरम कुंड को तैयार किया गया था और यहाँ पे जो श्रद्धालु है यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो यहाँ पे गरम कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम में जाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पे जो लगातार पुनर्निर्माण काम के कार्य यहाँ पे चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे कई लोग रहते थे, मजदूर यहाँ रहते थे, सुलभ के लोग रहते थे, लेकिन जब आपदा आई यानी कि जब बुधवार की रात को इस तरीके की जो घटना सामने है उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये माहौल, ये दंश देख सकते हैं कि किस तरीके का है। लोग अपने सामानों को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर ये जो आप सामान देख रहे हैं ये डंडी कंडी का ये सामान है, इन कंडियों के जरिए भी यहाँ से लोग या श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते थे। बुधवार को तेज बारिश हुई, ऊपर अलग अलग जगह बादल फटने की जो खबरें आई हैं, जो बादल फटा उसके बाद मंदाकिनी नदी का वेग इतना उफान पे था कि यहाँ पे जो उसके सामने आए वो उसको रौंदती गई, यानी कि यहाँ पे तप्त कुंड था, तप्त कुंड यहाँ से हट अभी बिल्कुल दब गया है मलबे में। यहाँ पे जो और अन्य जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। गौरीकुंड में भारी तबाही हुई है और अब प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती पैदल रास्तों को ठीक करके यात्रा को सुचारू करने की है। गौरीकुंड हम पहुंच चुके हैं, न्यूज 18 की टीम यहां पहुंच चुकी है। अब यहां पे आप देखते थे मंदाकिनी नदी है, काफी वेग में है क्योंकि यहां पे जो आपदा आई है जो बुधवार की रात को उससे यहां पे काफी नुकसान देखने। सोनप्रिया से गौरीकुंड का जो रास्ता है वो करीब 3 से 4 जगह टूट चुका है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं रेस्क्यू की थी, लेकिन गौरीकुंड में जितने भी लोग फंसे थे इनको यहां से रेस्क्यू के करके सोनप्रयाग निकाला जा चुका है। लेकिन अब प्रशासन की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इन रास्तों को ठीक करने के लिए है और जल्द से जल्द इन रास्तों को दुरुस्त करने के लिए है। लेकिन अब उम्मीदें ये भी जताई जा रही है कि जब तक वो रास्ते ठीक नहीं होते यानी कि मोटर पुल जो मोटर गाड़ी का जो ये रास्ता है ये ठीक नहीं होता है तब तक उम्मीद ये जताई जा रही है। तो ये जो पुराना अब जो रास्ता है जिस इस रास्ते से भी काफी लोगों को निकाला गया है और अब इसी रास्ते के जरिए यहाँ पे वो जो यात्रा शुरू में जो यात्रा चलेगी तो इसी रास्ते से उम्मीदें मान के चल सकते हैं कि आप यात्रा से चल सकती है फिलहाल जब तक यहाँ मोटर का जो ये गाड़ी का जो ये रास्ता है गाड़ी का जो रोड है ये पूर्ण रूप से नहीं बन जाता। गाड़ी का जो रास्ता है इस बनने में कुछ समय लग सकता है जिसके कारण अब प्रशासन कुछ दिनों बाद जब यात्रा शुरू करेगी तो फिलहाल ये वैकल्पिक रास्ता है जिससे अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 गौरीकुंड। बुधवार को आई आपदा के बाद से केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बेहद खराब हालात ने SDRF की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कितना चुनौती भरा रहा आइए हम आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू किस तरीके से हुआ आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। अभी हम भी इन बड़े बड़े बोर्डरों के जरिए हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे यही चुनौती नहीं थी, यहाँ पे चुनौती किस तरीके से आप देख सकते हैं। एक ऊपर से पहाड़ लगातार धड़क रहा था, बड़े बड़े बोर्डर, आप ये बोर्डर देख सकते हैं तस्वीरों में कितने बड़े बोर्डर है, ये लगातार नीचे को आ रहे थे। दूसरा मंदाकिनी का वेग आप देख सकते हैं, मंदाकिनी का वेग इतना भयंकर है अगर गलती से कोई इसमें आ जाए तो वो उसका क्या हश्र होगा ये वेग देख से आप कह सकते हैं। इन तारों के जरिए निकलने की कोशिशों में लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे चुनौतियाँ बहुत थी और उन चुनौतियों को पार करते हुए हम न्यूज 18 आपको दिखाएगा कि जो रेस्क्यू चला वो रेस्क्यू इतना आसान नहीं। ऊपर पहाड़ था, नीचे नदी थी और भी के बाद इस जो जाला आप देख सकते हैं इस जाले को मैं किस तरीके से यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। अगर आपका हाथ छूटा या आपने इन
से गिरे, नीचे सीधे मंदाकिनी का बेग है। तो इसी तरह से करीब 2500 से 3000 जो लोग यहाँ फंसे थे उनको निकाला गया। केदारनाथ आपदा में कुछ लोगों के लापता होने की खबरों का सचिव आपदा प्रबंधन ने एक बार फिर खंडन किया है। सचिव का कहना है कि कहीं भी कोई मिसिंग नहीं है। शुरुआती दौर में कनेक्टिविटी न होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए बात उठी है। सिंह की बात मैं बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी केदारनाथ जी में और इधर रास्ते में गौरीकुंड में कनेक्टिविटी न होने के कारण लोगों में यह एक आशंका पैदा हुई कि लोग मिसिंग हैं। बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है और किसी प्रकार से भी ऐसी कोई सूचना अगर है किसी के पास हमको बताओ कहाँ पे मिस हुआ है। हमारी टीम वैसे हमारे टीम वाले खोजबीन कर रहे हैं, एक लोगों ने संभावना जताई है। एक केदार घाटी में आपदा से पैदल रास्ते तबाह हुए हैं, जिन्हें ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। सोनप्रयाग में प्रशासन की टीम ने कुछ रास्तों को ठीक किया और बाकी रास्तों को भी ठीक करने का काम जारी है। इसके साथ ही पुलिया बनाने का काम भी हो रहा है। जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पैदल एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई चोटिल इधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पर स्टार्ट हम लोग न कर पाएँ। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ। पुलिस चेक पोस्ट के पास पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरा, इसकी चपेट में 3 दुकानें आ गईं। बोल्डर से 3 दुकानें टूट गईं। गनीमत रही कि बोल्डर की चपेट में दुकानदार नहीं आए और सही समय पर लोग दुकान से बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नैनीताल पंगुट रोड रविवार को 1 घंटे के लिए बंद रही। इस दौरान राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंगुट के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, इस दौरान बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। इस दौरान जाम लग गया और घंटों तक लोग फंसे रहे। सूचना के बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने पेड़ को काटा और ट्रैफिक को शुरू किया। वहीं इस स्थान पर अब भी खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी के बड़कोट बगासू के पास एक गाय यमुना नदी के बीच टापू पर फंस गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची और यमुना की तेज धारा के बीच फंसी गाय को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। काफी देर बाद मशक्कत के बाद फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा आपदा के कारण स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। केदारनाथ में हालात सामान्य होने के बाद कांग्रेस की पदयात्रा केदारनाथ के लिए फिर से शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि अभी 30 किलोमीटर की यात्रा बची है, उसे पूरा किया जाएगा। जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, प्रशासन बचाव राहत कार्य से मुक्त हो जाएगा, वहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, तो हम यात्रा को दोबारा से सीतापुर से केदारनाथ तक करेंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर की करीब यात्रा भी बची है। उस यात्रा को पूरा करके जलाभिषेक करके भैरव बाबा के यहाँ तक जाएंगे। टिहरी में घर में चर्च बनाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और पुलिस से मामले की जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। नई टिहरी के बोराड़ी में एक घर में चर्च बनाकर लोगों की भीड़ जुटाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया और बिना परमिशन के सभा करने और शांति भंग का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने प्रार्थना सभा करा रहे शख्स को कोतवाली में लाई और मामले की जांच की बात कही है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने गरीब तबके के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है।
यहाँ से सर हटाना जरूरी है, इसको ये हटाना जरूरी है यहाँ से, क्योंकि चर्च यहाँ नहीं बनेगा। हमारे उत्तराखंड में ये चर्च घर के अंदर भी बनाने लग गए तो हम लोग कैसे सहन करेंगे? ये तो नहीं होगा ना, तब तो दिक्कत है हम हिंदुओं के लिए जो हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे देव देवता नहीं है क्या? इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं और बहुत सब टारगेट पहाड़ को किया जा रहा है। यहाँ पर जनसंख्या असंतुलन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भविष्य में यहाँ के डेमोग्राफी और जो अन्य चीज़ें उनको परिवर्तित किया जा सके। असेंबली की हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि एक असेंबली की जा रही है वहाँ पे, तो पूछताछ के लिए जिस व्यक्ति का वो घर है और जो व्यक्ति द्वारा असेंबली की जा रही थी उसे भी थाने बुलाया हुआ है। आगे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। कुमाऊं की दो सबसे बड़ी नगर पालिकाओं को नगर निगम में तब्दील करने की कवायद शुरू हो गई है, इसका विरोध भी तेज होने लगा है। नगर से सटे ग्रामीण इलाके जहां निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले इस कवायद पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका कुमाऊं की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में है। पिथौरागढ़ नगर पालिका को त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में भी नगर निगम बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन विरोध के चलते ये नगर निगम नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर निकाय चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को निगम बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। शासन ने स्थानीय प्रशासन से दोनों पालिकाओं के निगम बनाने के प्रस्ताव भी मांग लिए हैं। इसकी पॉपुलेशन जो है उतनी हो चुकी है जितना मानक है हमारा नगर निगम बनने का, उसका प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है। जिलाधिकारी कार्यालय से एक प्रस्ताव मांगा गया था, वो जो मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है, जहाँ तक इसमें नए गांव और इन चीज़ों को जोड़ने का या सीमा विस्तार करने का सवाल है, जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें एग्जिस्टिंग नगर पालिका को ही नगर निगम में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अल्मोड़ा नगर पालिका का वर्तमान एरिया पिथौरागढ़ के मुकाबले काफी कम है। अल्मोड़ा नगर पालिका में जहां 13 वार्ड है, जबकि अल्मोड़ा की जनसंख्या 75,000 के करीब है, वहीं पिथौरागढ़ जिले में वार्डों की संख्या 20 है, जबकि यहां की इस समय की जनसंख्या 90,000 के करीब। अब इन दोनों नगर पालिकाओं के नगर निगम बनाने की भनक लगते ही विरोध भी शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि इन गांवों को किसी भी कीमत पर नगर महापालिका में सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि ये सब गांव कृषि पे आधारित गांव हैं और इनके पास अभी भी बहुत सारी कृषि योग्य भूमि है। नियमानुसार 30% कृषि योग्य भूमि वाले गांव को शहर क्षेत्र में नहीं समायोजित किया जाता है। अगर राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से इसमें कई कठिनाइयाँ पैदा होंगी और कई दिक्कतें लोगों की बढ़ जाएंगी, क्योंकि विकास के लिए चाहिए बजट सरकार देती नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों पालिकाओं से सटे ग्रामीणों इलाकों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, निकाय चुनाव से ठीक पहले पालिकाओं को निगम बनाने की पहल को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उपरेती की रिपोर्ट। भारत के शटलर लक्ष्य सेन को पेरिस ओलंपिक खेलों के पुरुष बैडमिंटन सिंगल इवेंट के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन विक्टर एक्सेलसन ने लक्ष्य को 22-20, 21-14 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन लक्ष्य के लिए अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। वो ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए खेलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल मैच में उनका सामना मलेशियाई शटलर लीजी जिया से होगा। अल्मोड़ा के लोगों को अब सेन से ब्रॉन्ज मेडल की आस है। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया खेला, मुझे कोई ऐसा नहीं है, वो एक्सपीरियंस है उससे काफी बड़ा है, और पहला गेम अगर वो जीतता तो थर्ड गेम जरूर जीतता। अब लड़ाई है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो कल मैच होगा, जो दोनों सेमीफाइनल से जो भी सेमीफाइनल हारे होंगे वो आपस में दोनों टकराएंगे कल। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में गंगा नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है और गंगा नदी का पानी घाटों के ऊपर से बह रहा है।
केदारघाटी में फंसे घोड़ और खच्चरों के लिए चारा भेजा गया है। हेलीकॉप्टर से 4.5 टन चारा पशुओं के लिए भेजा गया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रशासन ने व्यवस्था की है। बागेश्वर में पिछले हफ्ते एक व्यापारी और एक 14 साल का लड़का नदी में डूब गया था। एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। पौड़ी में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने पुलिस का पुतला फूंका। बागेश्वर में हुई दो छात्र गुटों की लड़ाई के बाद हुई कार्रवाई से कांग्रेस नाराज है। उत्तराखंड का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले अपने कर्मचारियों को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जरिए पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देगा। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। विकासनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। टिहरी में आपदा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा सरकार लोगों के साथ खड़ी है। अल्मोड़ा में जनसंघ के संस्थापक सदस्य सोमन सिंह जीना की 116वीं जयंती मनाई गई। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दी श्रद्धांजलि। 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका काम सिर्फ बाघों की सुरक्षा का होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। बाघों के सबसे अधिक घनत्व वाले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 से अधिक बाघ हैं। उत्तर प्रदेश से इसकी बाउंड्री लगी होने के कारण शिकार के लिहाज से भी ये पार्क बेहद संवेदनशील है। यूपी और उत्तराखंड के आबादी क्षेत्र से लगा होने के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी यहां अक्सर होती रही हैं। वाइल्ड लाइफ बोर्ड और कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब इसके गठन की पूरी तैयारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए 81 पदों पर भर्ती के भी आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, इस फोर्स का जैसा कि नाम है, ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है और इसीलिए ये हमारे लिए एक ऐसी स्ट्राइक फोर्स होगी जिसको विशिष्ट उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिसको विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और ये दुर्गम वन क्षेत्रों में भी किसी प्रकार के आसन्न खतरे को, अवैध शिकार को और इस तरह की चुनौतियों को निपटारा करने के लिए इनको तैयार। इस टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 40 साल तक के कर्मचारियों को रखा जाएगा, जिसके बाद ऐसे कर्मचारियों को वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में तैनाती दी जाएगी। कि जब एक निर्धारित आयु के ये हमारे टाइगर गार्ड जब हो जाएंगे तो उनको विभाग में टाइगर रिजर्व के स्थान पर अन्य प्रभागों में तैनात किया जाएगा और वहां ये वन रक्षक के रूप में अपनी वरिष्ठता के क्रम से ही समायोजित हो जाएंगे। 9 साल पहले तैयार हुआ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का प्रस्ताव किसी न किसी बहाने लटकता रहा है। कुछ महीने पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां वन्य कर्मियों के साथ पेट्रोलिंग भी की थी। सीएम ने यहां बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जरूरत महसूस की और सीएम धामी ने तत्काल ही इसके गठन की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड और कैबिनेट में भी इसे हरी झंडी दे दी गई। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के ग्राम पंचायत जीवाणु देवजानी डंडा खेड़मी गांव के ग्रामीणों ने धूमधाम से सावन मेला का आयोजन किया। जीवाणु धान में इस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 5 गांव के लोगों सहित दूरदराज से ग्रामीण भी इस मेले में पहुंचे और देवडोली के साथ झूमते नजर आए। 2 दिवसीय सावन मेला भी खंडासुरी महाराज और कपिल मुनि महाराज की डोली के साथ ग्रामीण झूमते नजर आए और देवता आशीर्वाद के बाद अपने घरों को लौटे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।